बार मॉल में आईडी फ्रेश पाइज के ओर से जो कि जो कुछ फेस्टिवल यहाँ पर रखा गया और इस फेस्टिवल के लिए सभी लोगों ने एक फिश खाने के लिए 3 दिन का जो नियोजन यहाँ पर किया गया और अच्छी टेस्ट लेने के लिए यहाँ पर आना चाहिए और एक सभी लोग जो फिश फेस्टिवल में अच्छी तरीके से जो फूड का टेस्ट लेने के लिए सब जगह में जाते हैं तो इसके लिए जो 3 दिन का जो फूड फेस्टिवल है सभी लोगों ने यहाँ पर आना चाहिए फूड फेस्टिवल का टेस्ट यहाँ पर लेना चाहिए 15 स्टार्टर्स है और 5 ग्रेवी का जो आइटम्स यहाँ पर रखा गया है इसमें सभी अच्छी फिश का जो सब ये है वो तो हर एक जाति की जो फिश है उसमें सब जो पाम्पलेट है जिताड़ा है ये सब जो जितने भी फिश है उस फिश के लिए टेस्ट लेने के लिए सबको आना चाहिए और एक हमारे हम लोग हमारे सौभाग्य समझते हैं हमारे दोस्त ने यहाँ पर जो मराठी आदमी जो आगे जाता है और मराठी आदमी के हिसाब से जो जो फूड फेस्टिवल का जो नियोजन यहाँ पर किया गया हमारे तरफ से हम लोग उनको शुभेच्छा देते हैं कि अच्छे तरीके से एक फूड फेस्टिवल जो यहाँ पर नियोजन किया गया ऐसी फूड फेस्टिवल और भी जगह में उन लोगों को जिधर जिधर जो ब्रांचेस जो ओपन करनी है तो और स्टॉल और ये सब कुछ बना है फूड फेस्टिवल का जो टेस्ट लेने के लिए सब लोग आने चाहिए और वो सदस्य सबको शुभेच्छा देता हूँ। सर आपका कितना सपोर्ट रहेगा सर को? मेरा तो 1000 टका सपोर्ट रहेगा उनको कि मराठी आदमी है तो मराठी आदमी के लिए तो हम लोग पूरे जी जान के उनके साथ में रहेंगे और उनको जितनी भी मदद यहाँ पर चाहिए उतनी मदद उनको दी जाए। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? जरूर, हमारा रोहित सर का हमें हर बार सपोर्ट रहा हुआ है और आगे भी रहेगा और उनके ही मतलब सपोर्ट की वजह से आज बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। डेफिनेटली सर आज यहाँ पे आए तो कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब हमारे भी नजदीक मतलब कल रात को हमने इनको कॉल किया तो उन्होंने बोला प्रतीश मैं आ रहा हूँ, बस मतलब वो एक विश्वास इतना हमें मतलब कॉन्फिडेंस दे गया कि आज हम कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए जो उनकी एक आ रहा हुए बोलना है में ही एक प्रेरणा मिल गई, अरे नहीं चलो मतलब एक ताकत आ जाती है वैसे आ गई और आज उन्होंने उद्घाटन किया और बहुत अच्छा लग रहा है आज। डेफिनेटली सर ऑलवेज। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? सर आ जाए हैं, सर आए हैं, अच्छा लगा यहाँ पर आके। बेसिकली थाने में जो ये जो फिश फेस्टिवल हो रहा है तो उसमें सर की थोड़ा सा मतलब उद्घाटन में भी आए तो बहुत अच्छा लगा। आप क्या कहना चाहेंगे? कोई सर आज यहाँ पर आए हैं हमारे अनलिमिटेड फिश फेस्टिवल के लिए और उन्होंने जो इतना प्रमोट किया और इतना हम लोगों को सपोर्ट किया है उसके लिए हम लोग बहुत थैंकफुल है और बहुत ग्रेटफुल है इनके लिए। आई होप उनका सपोर्ट हमेशा हमारे साथ रहेगा। उनके विभाग में जो हमने ये बैंकवेट बनाया है तो एक डेफिनेटली एक अलग स्तर का हमने कोशिश किया हुआ है और उनकी इसके लिए हमें जो प्रशंसा मिली है वो ऑब्वियसली सच में सराहनीय। थैंक यू। अम्बेकर है, मैं आईलीफ रिट्स बैंकवेट का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और मेरा पार्टनर अभिषेक कदम जो हम दोनों ही पार्टनर है जो मतलब ये पूरा बैंकवेट जो है हमने बनाया हुआ है और हम एक अलग कंसेप्ट लेके आए हैं अनलिमिटेड फिश फेस्टिवल का यहाँ पे जो लोगों को हम एक अलग तरीके का एक फूड का टेस्ट देना चाहते हैं। फूड में जो फिश आइटम जो है आज लोगों को जो बहुत मार्केट में जो महंगी डिशेस मिलती है वो हम कम से कम दामों में लोगों को देना चाहते हैं कि जिसमें हम लोगों ने मुंबई ही नहीं बल्कि कोंकण रीजन ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र ही नहीं इंडिया ही नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी कुछ डिशेस हमने रखे हुए हैं ताकि एक ही रूफ के अंदर लोगों को ये हर एक डिशेस का आस्वाद वो ले सकते हैं ऐसे। और हमने जो रेट रखा हुआ है वो भी बहुत नॉमिनल है, मतलब हमारे 25 डिशेस हैं जिसमें कॉन्टिनेंटल है, बाद में अमृतसरी करी उसमें इंक्लूड है जो नॉर्थ कवर करता है, साउथ इंडियन में काने फिश है जो साउथ कवर करता है, हमारे कोंकण साइड की जो पापलेट फ्राई है मालवणी फिश है वो मतलब हमारा वेस्टर्न रीजन कवर करता है। तो ये हर एक रीजन की हमने फिश डिशेस रखी है प्लस कॉन्टिनेंटल में प्रॉन्स इन ऑयस्टर सॉस, प्रॉन्स इन लेमन सॉस ये रखे हुए हैं, फ़िश इन लेमन सॉस, अगेन फ़िश बिरयानी,
जैसे चिकन बिरयानी तो फिश बिरयानी रखी हुई है, प्रॉन्स बिरयानी तो वो कॉमन पता है, बट फिश बिरयानी भी एक हमने एक आइटम इसमें ऐड की हुई, एक इनोवेटिव कुछ अलग रखा हुआ है कि जिससे लोगों को हर एक प्रकार का आस्वाद मिले ऐसे। और इसका रेट भी हमने जो ये 3 दिन हमारा चलने वाला फेस्टिवल है, आज 19 तारीख, कल 20 तारीख और परसों 21 तारीख जो फ्राइडे सैटरडे संडे है, उसमें हमारे 2 सेशन होंगे, मॉर्निंग से 11:30 से लेके 3:30 तक, बाद में 7:30 से लेके 11:30 तक, जिसमें हर एक सेशन में 3 स्लॉट्स रहेंगे, 3 बार एंट्री आप कर सकते, मतलब 3 अलग अलग स्लॉट्स में आप एंट्री कर सकते हो ऐसे। उसके बाद में जो हमारा प्राइस रेंज भी आप देखोगे वो बहुत कम है, जैसे कि एक सिंगल एंट्री को 999 रुपीज़ है, और दो अगर आप 2 जन का एंट्री करते हो, 2 जन का टिकट लेते हो तो 1699 रुपीज़ है। सो एक नॉमिनल प्राइस में हम वाजबी कीमत में लोगों को एक अच्छा फूड टेस्ट देने का हमारा प्रयास है। सो हमने तो बहुत गेस्ट को इनवाइट किया है ताकि लोग आके यहाँ पे वो फिश डिश का आनंद ले सके। जैसे हमारे कुछ ब्यूरोक्रेट्स हमारे दोस्त है, बाद में हमने कुछ आर्टिस्ट भी इनवाइट किए हुए, अभी उनके वक्त के ऊपर निर्भर है वो कैसे आते हैं क्या आते हैं। हाँ मैडम, मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग के लिए हमने जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हमने जो लोकेशन से वो टारगेट किए, जो पॉपुलेटेड लोकेशंस है जैसे ठाणे है, मुलुंड है, तो जो नॉर्मल लोग जहाँ तक ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवल करते हैं रोड से, तो उनको पता चलता है गैंट्रीज होती है, बस बैक पैनल्स होते हैं जहाँ पे वो आसानी से देख सकते हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया पे हमने पेड प्रमोशन किया कि आजकल ऐसा कोई नहीं है जो फेसबुक गूगल यूज़ नहीं करता, कि तो वो सारी जानकारी सारे लोगों तक पहुँच पाए, इसलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया प्रमोशन किया। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट्सएप प्रमोशन हमने किया और लिफलेट डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यही कोशिश रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचना चाहिए कि ऐसा एक फिश फेस्टिवल आर मॉल में आइलीफ रिट्ज बैंक्वेट्स में हो रहा है। सर आपसे एक सवाल है, इसके लिए आपने कोई ऐप बनाया है या मतलब मार्केटिंग, मतलब आपसे कांटेक्ट कैसे किया? ये हमारा लिफलेट हमारा ऑलरेडी रेडी है, वेबसाइट डिज़ाइन करी हुई है, द वेबसाइट इज़ events.ileafritz.com, जो जहाँ पे कस्टमर जाके हमारी सारी जानकारी ले सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मेन्यू क्या आइटम्स है, क्या चार्जेस है, और वहाँ वहीं पर जाके वो ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, टिकट बुकिंग भी वहीं पर। हमने प्रोसेस काफ़ी सिंपल रखा है, क्लाइंट को सिर्फ अपनी बेसिक डिटेल्स देनी है, कार्ड डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पेमेंट करना है, और पेमेंट करते ही उनको QR कोड आ जाता है, बस वो कोड उनको यहाँ पे दिखाना है और उनको एंट्री मिल जाएगी। तो हमने यही कोशिश की है कि कस्टमर्स को कहीं भी किसी चीज़ की दिक्कत ना हो, 4 जगह पे उनको हर अलग अलग फॉलोअप ना करना पड़े, यहाँ पे आके बस उनको कोड दिखाना है और बहुत ही कम समय में उनको प्रयास है कि लोग अच्छे से आए, हमारा खाना टेस्ट करें और खुश होके चले जाए। ऑपरेशन जो है पूरा अनामिका वसेकर हमारी CEO मैडम है वो हैंडल कर रही है। सो बेसिकली जैसे अभी उन्होंने बताया कि हमारे पास प्री बुक कस्टमर्स हैं जो आएंगे यहाँ पे, तो उनके लिए हमने पर्टिकुलरली अलग एक काउंटर रखा हुआ है जहाँ पे वो आके अपना QR कोड स्कैन करके फिर उनको एक एंट्री दी जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे जो फ़ोन करके कहते हैं कि मैं आऊँगा ये स्लॉट पर आऊँगा या वो स्लॉट में आऊँगा, तो उनके हमारे पास नाम रहते हुए, तो वो उन्हें जब आते हैं तो उन्हें पेमेंट यहाँ पे करके फिर उनको, कुछ होते हैं वॉकिंस जो डायरेक्टली कहीं पे बोर्ड दिख गया, चलो आज जाते हैं फ्री है अभी चले जाते हैं, अगर ऐसे कोई क्लाइंट आते तो उनके भी हमारे पास एक पर्टिकुलर काउंटर रहेगा जहाँ पे उनके लिए भी पेमेंट का प्रोसेस करके फिर उनको भी एंट्री दी जाती है। पर्टिकुलरली जो हमारे VIP गेस्ट है जहाँ पे हमने इनविटेशन दिया हुआ है, उनके लिए भी हम लोगों ने अलग से एक काउंटर रखा है, मतलब ताकि उनकी दिक्कत उनकी वजह से किसी और मतलब जो रेगुलर हमारे जो गेस्ट है इनको दिक्कत ना हो, इनका हमने प्रयास। सो हमने सोचा हुआ है सारे गेस्ट के हिसाब से कि सब लोग जो आएंगे भले ही वो प्री बुक्ड है, VIP है या वॉक-इन है, सबको ट्रीटमेंट अच्छी मिले, उनको एक्सपीरियंस एक अच्छा हो और यहाँ पे आके वो एब्सोल्युटली पॉजिटिव होके यहाँ से जाए, एक्सपीरियंस लेके जाए। स्टार्टिंग में कुछ मतलब कस्टमर को फ्री में कुछ या कुछ डिस्काउंट ऐसा कुछ? हमने एक्चुअली आज आप जहाँ पे खड़े हो आर मॉल, तो रुनवाल के एम्प्लॉयज़ के लिए हमने एक डिस्काउंट रखा था कि जिसके ऊपर उनको 99 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप 1699 का टिकट खरीदते हो तो। सो उसके लिए हमने कोड ऑलरेडी उनको दिया हुआ है, दैट्स इट। और कोई हमने ऐसे डिस्काउंट मतलब एक हमारा कॉस्ट ही एक बड़ा डिस्काउंट है ऐसे, अगर आप देखने के हमारा जो कॉस्ट है वही एक बड़ा डिस्काउंटेड कॉस्ट ही है ऐसे। और मैं चाहता हूँ कि वॉकिंग्स भी आए और हमारा ये फूड फेस्टिवल फिश फेस्टिवल का आनंद लें।